सम ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स ओके. सो लेट एपी विल बी, सो एपी विल बी, इसमें बोला कि पॉजिटिव इंटीजर. देखिए इंटीजर आपके नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, और विथ इंक्लूडिंग जीरोज. जैसे कि जीरो के लेफ्ट में देखेंगे तो नेगेटिव होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ये, और राइट में देखेंगे तो 1, 2, 3. तो अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ओके, सो एपी विल बी पॉजिटिव. सो जीरो इज द नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव. वन, आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नोर नेगेटिव, राइट. सो एपी विल बी आपका 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3 एंड सो ऑन. 100 पॉजिटिव कितने, 1 से कहाँ तक जाएगा, लास्ट टर्म विल बी 100 ओके. एक लास्ट टर्म जब हमने उसको फॉर्मूला राइट किया तब मैं एक बताना भूल गया कि जो SN होता है, SN होता है उसको हम n बाई टू इंटू ए प्लस एल बी लिख सकते हैं, राइट. SN इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल बी लिख सकते हैं इन द केस ऑफ व्हेन द लास्ट टर्म इज़ गिवन. लास्ट टर्म इज़ गिवन तब हमारा फॉर्मूला ये होगा. अब यहाँ पर जैसे कि हेयर यू कैन सी दैट द 100 इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस ए पी. सो वी सो सम विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस 100 एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सम. सो द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी हेयर एन, एन इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 एंड वी यूज द फॉर्मूला दिस वन, एस एन इक्वल टू एन बाई टू प्लस ए, एन बाई टू ए प्लस एल. वाई, बिकॉज हेयर द लास्ट टर्म इज गिवन, वी नो द वैल्यू ऑफ एन, वी नो वैल्यू ऑफ ए, सो वी कैन फाइंड इजिली the sum of the first 100 positive integers, okay. So s 100, because s n equal to, we can write here s n equal to n by 2 a plus l. So we can write here n equal to 100, so s 100 n is 100 by 2 divided by multiplying kya ho jayega, a is 1 and l is 100. You can solve from here easily. 2 से cancel की cancel इसको करोगे तो s 100 की value आ जाएगी, या 50 multiply 101. You can solve 5050. This is the sum of the first 100 positive integers. Okay. Now one more the questions you can see the first find sum the first n positive integer. अब देखना आप जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके हेल्प से हमें आंसर ये वाला मिलेगा. क्यों, यह क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ए पी विल बी, सो ए पी इज 1 प्लस ओके. इन द स्टेटमेंट इट इज सेड दैट द पॉजिटिव मीन्स विच इज द राइट फ्रॉम द जीरो ओके. 1 प्लस 2 प्लस दिस इज कोमा अप टू एन, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स इज एन, सो लास्ट टर्म विल बी एन. जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी कितनी एन, तो हमारी लास्ट टर्म कितनी है, एन हो जाएगी, 1 से 2 से लेकर एन तक भी. AP and sum will be SN equal to 1 plus 2 plus 3 up to N. Okay, here the number of terms is the total number of terms N. First term equal to 1 and
लास्ट टर्म इज आल्सो गिवन, दैट इज आल्सो एन. ओके सो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल. ये लास्ट टर्म के केस में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. सो एस एन इक्वल टू एन, एन की नंबर ऑफ टर्म्स एन आपके पास, डिवाइड बाई टू ए, ए इक्वल टू वन. ओके बिकॉज द सीरीज इज पॉजिटिव इंटीजर्स, वन एंड लास्ट टर्म इज एल. सो दिस इज योअर फाइनल रिजल्ट.